जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। हाँ छोड़ो मेरा। देख देख तन्नो, चले बस। देख बहुत प्यार से, बहुत शराफत से समझा रहा हूँ, मुझसे शादी कर ले, वरना बहुत पछताएगी तू, बहुत पछताएगी। मैंने जितना पछताना था पछता ली, लेकिन अब तुम्हारी गुंडागर्दी इस इलाके में नहीं चलने दूँ। लानत भेजती हूँ तुम जैसे मर्दों पर, हटो मेरे रास्ते से। हाय 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 तन्नो, तेरे यही नखरे तो मुझे आशिक बना के रखते हैं। हाय चिमो, बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह मुझसे मिलने की तैयारी कर रही है। हकीम साहब से मिलने? क्यों? जाहिर है मेरा उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है। वो किस लिए? मिलने के लिए। मेरे होते तू हकीम से क्यों मिलेगी? जाहिर है मेरा इलाज चल रही है तो मैं ही जाऊंगी ना, इतनी सख्त खांसी चल रही है। ओए ओए, तू कहीं मुझे खुशखबरी तो नहीं सुना रही? झूठ अप। बस क्या बात है भाई, क्या बैठे हो तुम भाई, इतने खामोश खामोश क्यों हो? अरे भाई ये गाल पे क्या लगा हुआ है? क्या बे? क्या लगा हुआ है? कुछ लाल लाल सा लगा हुआ है। एलर्जी हो गई होगी भाई, ये तो बहुत सूजा हुआ है, किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अबे कह दिया ना, कोई एलर्जी वलर्जी होगी, हो जाएगा खुद ठीक। भाई तो फिर ये है क्या? तंदीर फातिमा ने थप्पड़ मारा है मुझे, अब आ गया सुकू। भाभी ने थप्पड़ मारा है? क्यों, कैसे? एक और मारूं क्या, बताऊं? भाई तूने तो हमारी नाकी कटवा दी, पता नहीं किस किस ने देखा होगा मारते हुए। अब मैं मोहल्ले में जाऊंगा तो क्या सोचेंगे लोग भाई? कुछ भी हो, अब वो थप्पड़ मारे या कुछ भी करे, तनवीर फातिमा ही तेरी भाभी बनी। सब कुछ उल्टा हो गया, मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। क्या क्या सोचा था इस कोठे के बारे में, अम्मा के जमाने की रौनकें वापस आ जाएंगी, मेरा नाम सारी नायिकाओं में सबसे ऊपर होगा। सब कुछ गड़बड़ कर दिया उन निकम्मियों ने, मुझे ही चूना लगा कर चली गई। उनसे तो बदला लेना ही पड़ेगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे वो चारों। कान दिखाना, उधर का कान, मुंह खोलो। हाँ, गुड, जरा नब्ज दिखाना। आप बाहर बैठिए जरा। वो क्यों? अरे मैं जब मरीज का चेकअप करता हूँ ना तो गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बिल्कुल मना है, इधर समझ में आता है? तो मैं कौन सा बरूद का पार के ट्रक लाया हूँ, मैं तो अपनी बीवी के साथ आया हूँ इसकी हिफाजत के लिए। अरे तो मैं कौन सा आदम को रकीम हूँ जो खा जाऊंगा इसको? और तो इसको खा भी नहीं सकता है। ए, मेरे को खाना भी नहीं है। जब हकीम साहब कह रहे तो निकल जाओ ना यहाँ से। देखे बीबी, ये काम इतना आसान नहीं है, काफी मसले हैं इसमें। काम आसान नहीं है जब ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है, वरना तो मैं खुद ही निमट लेती। लेकिन इसमें काफी पेचीदगियाँ हैं, हफ्तों में बात जा सकती है। आपके लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है, आप तो ऐसे केस लड़ने के माहिर हैं। लेकिन आपका केस बहुत टेढ़ा है, और वैसे भी आजकल मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है,
आपके केस का नंबर बहुत नीचे आएगा। केस मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। कितने दिन लगेंगे? बस 2 दिन। ये हुई ना बात। दिशान, रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुंची? रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स तो जमा हो गए थे, लेकिन आपको पता है कि इस तरह के प्रोसेस में टाइम तो लगता है। लेकिन वो जगह का क्या हुआ? मैंने सफाई का बंदोबस्त तो कर दिया, बस समझें कि बिल्कुल तैयार है। वेरी गुड। और स्टेशनरी और फर्नीचर, ये सामान आ गया? पहले स्कूल का कुछ सामान पड़ा था और कुछ हमें ख़रीदना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि खर्चे वाली बात है। वो तो है, लेकिन 40,000 में कुछ नहीं होगा, हमें और पैसे चाहिए होंगे। 40,000? मगर ये कहाँ से आए? मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बचाए थे किसी काम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन पैसों को इसी मकसद के लिए खर्च होना है। लेकिन जिशान, हमें हर माह पैसों की ज़रूरत होगी। क्यों, क्यों ज़रूरत पड़ेगी? बच्चे पढ़ेंगे, फीस भी तो देंगे ना, पैसे आएंगे। लेकिन मैं आपसे आपके पैसे नहीं दे सकती। आई एम सॉरी, मुझे कहीं और से बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्यों, आप क्यों नहीं ले सकती मेरे पैसे? क्या बुराई है? जिशान, आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं, मेरे लिए ये बहुत है। यानी कि कर दिया ना आपने मुझे एक पल में पराया। तनवीर, ये आपका ख्वाब नहीं है, ये मेरा भी ख्वाब है। बात ये नहीं है जिशान, मेरा मकसद है कि ये पैसे आपने अपनी ज़रूरत के तहत जमा किए होंगे ना। और वो ज़रूरत यही है। बस मैं अब इस मामले में कुछ और नहीं सुनना चाहता, हमारे पास और बहुत सारे काम है करने के लिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, कौन? मैं तनवीर बात कर रही हूँ। अम्मा बात कर रही है ना? तन्ना, तनवीर जी। कैसी है तुम्हारी बच्ची? मैं ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं? बस बेटा, गुजर रही है जैसे तैसे। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह ना शुक्र, तो सुना सब खैरियत है? वो एक काम था अम्मा आपसे। हाँ हाँ, बोल ना। अम्मा, मैंने इमरान के नाम से यहाँ स्कूल खोलने का इरादा किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा नेक काम है मेरा बच्चा। जी अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरे इतने वसाइल नहीं हैं, ख़ास तौर पर माली वसाइल। तो बेटा, पैसे ना कोई मसला नहीं, मारे को खुशी है तूने मारे को याद तो किया। अम्मा, आप मेरी मदद करेंगी? बेटा, मदद तो गैरों ने की जाती है। तू तुम्हारी बेटी, आइए स्कूल इमरान ना होगा, मैं खुद आऊंगी पैसे देने थारे को, तू जहाँ बोले जितना बोले। कितने पैसे? अम्मा, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दी। मैं बहुत जल्द आपको बताती हूँ कि मुझे पैसे कब चाहिए और कहाँ चाहिए, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। बेटा, पूरे स्कूल ना खर्चा मारे को बताना। क्या पता कोई बच्चा इमरान ने तरह स्कूल से पढ़ के निकले। ठीक है अम्मा, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये बताइए कि घर में सब खैरियत है ना? चाची, हुसना, सब ठीक है ना? सब ठीक है बेटा, सब। अम्मा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
बता दे क्या बात है, वो थक गया क्या? दादी हड्डियां चूर चूर हो जा रही है। अच्छा मैं तो कहूँ कि तू ये काम वाम छोड़ दे और बस आराम किया कर। आराम शाबाश ताजी, खुद ही कह रही है कि तू काम कर तेरा ध्यान बटेगा, अब खुद ही कह रही है आराम कर। हाँ मैंने किया था कि तू काम किया कर ध्यान बटेगा, पर देखना तेरी तबीयत भी तो ठीक ना रह है ना, और फिर उम्र भी हो गई है, और फिर कादर तू दिल का मरीज भी है, मेरे को बहुत डर लग गया, मेरे को तो तेरी जिंदगी प्यारी है ना, बस रहने दे, तू ज़्यादा काम ना किया कर। देखा जी मैं तो जब से आया हूँ परेशानियों का पहाड़ सा टूट पड़ा है मेरे, घर कैसे चलेगा, रोटी पानी कैसे चलेंगे, बिजली के बिल स्विगी गैस के बिल कैसे दिए जाएंगे, ये जो सेहत है ना ये कभी ठीक हो गए कभी खराब हो गए, परेशान ना हो अगर ठीक है बस चलता रहे बस। नहीं नहीं बस तू रहने दे, ज़्यादा फिक्र ना किया अगर, हम चटनी रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। अच्छा हाँ ये बता तेरे को बहुत भूख लग रही होगी, मैं खाना लाऊं? इतनी सख्त के बता नहीं सकती। चल तू पैर ऊपर करके बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाऊं, देख मैंने बहुत अच्छा खाना पकाया। जाला अभी आई, अभी आ जा, आ जा। आए उफ चीदे ला 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 आए आए चीदे आज काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश पे अच्छी आए 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 हाय मेरी जान गुड्डो ये क्या है? आखिर है ना गरीब का बच्चा, ये 5,000 रुपए है नहीं तो। और ये तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, तेरे पास किधर से आ गए? मनुसो जो काम तुम दोनों भाई नहीं कर सके हो ये मासूम सी बच्ची करके आ गई है, वो तो मैं और छुट्टो हसीनो जमीन है ना मोहल्ले वाले हमारे पे बहुत अंधा एतबार करते हैं, फकीर नहीं समझते तुम्हारी तरह हानी तो। क्या मतबल? मतलब ये है कि मैंने ना कमेटी डाल रखी है मोहल्ले में, 3 बंदे हो गए इसमें कमेटी में। अच्छा कितने आदमी वो है? 3 लोग है ना। और तो 6,000 होने चाहिए ना, 1,000 किधर चला गया, ये तो 5 है। वो मैंने और छुट्टो ने ना एक एक सूट बनवा लिया था इसमें। उए उए उए, कोई बात नहीं फिर बाकी 5,000 के मैं और फीता कपड़े बनवा लेते हैं। इस मनु शक्लों पे कुछ नहीं होने वाला, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस इन पैसों से सिर्फ सब्जी का ठेला लगेगा हानी तो। हाँ? सब्जी का ठेला यानी फिर मेहनत? जाहिर है दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, सब्जी का ठेला लगाना होगा, कमेटी भी वापस करनी होगी और हमें अपनी लॉन्ड्री भी वापस लेनी होगी हानी तो। अच्छी मो भोंको भोंक तो तुम रही हो, मैं फरमा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक मशवरा दूँ। बोलो। मशवरा ये है कि इन पैसों को लेके ना भाग चलते हैं कहीं दूर, अपनी दुनिया बसाते हैं दूर, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे। गुड्डा सलाम पेश करती है जहन्नम इस सोच पर, विप की बात तुम्हारी नहीं सुनूंगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी है, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे तुम लुक करते जाओ। ठीक है जैसे जैसे तुम बोलती जाती हो वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। तुम ऐसा करो अब उड़ान भर लो। हम्मा हम्मा अरे क्या हो गया नमो, इस तरह क्यों भाग भाग के आ रहे हैं? हम्मा मैंने पूरी क्लास में टॉप किया है। मेरा बच्चा ये हुई ना बात, मेरा शेर। माशाल्लाह कादिर तूने देखा कितना पढ़ाकू हो गया हमारा नमो, बने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। ये नहीं इसको पानी इसको मैं तो ना मिठाई नहीं चाहिए। हाँ तो मेरे बच्चे बोल, आज तेरा दिन है, हुक्म कर। मैं तो ना शीतल चाहिए, आप तुम जब हज पे जा रही थे ना मेरे तो याद है आपने है ना वादा किया था आप आते मैं तो है ना शीतल दिला।
माधुरी मुझे ये बता, तूने मुझे छुड़वाया क्यों? मैं नहीं छुड़वाती तो कौन छुड़वाता तुम्हें? अपने ही अपनों के काम आते हैं। वैसे भी ये कोठा तुम्हारे बगैर बहुत बेरौनक था। अंदर कराने में भी तो तेरा ही हाथ था ना। माधुरी मर जाएगी लेकिन अपनों के साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अगर मैं तुम्हें फंसवाती तो मैं तुम्हें छुड़वाती ही क्यों? यही तो पूछ रही हूँ तुझसे। ये सारा खेल ना उन गुड्डो छुट्टों के निकम्मे शोहरों का था। था? क्या मतलब था? बिब्बो, वो लोग मुझे धोखा देकर भाग गए। भाग गए? जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में।